माता, आप इन असुरों को यमलोक पहुंचाएं, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दें। सावधान दुष्ट चंड मुंड, तुम्हारा प्रवेश कौशिकी महालय में अब कदापि नहीं होगा। तुम दोनों यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। नहीं, हम बलपूर्वक सुंदरी कौशिकी को स्वर्ग लोक ले जाकर ही रहेंगे। स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ की यही आज्ञा है। चंड मुंड, तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। हम पाताल के महावीर योद्धा हैं। यज्ञ में बलि देने के लिए बांध दिया है। माता, आपने चामुंडा रूप धारण कर लिया है, अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। चंड मुंड भी, दैत्यराज, चंड मुंड भी उस सुंदरी के हाथों मारे गए। अब तो आपको उसे प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए, अन्यथा असुर जाति का सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। असुर जाति के सर्वनाश की भविष्यवाणी करने वाले असुर द्रोही, तेरा ही परामर्श मानकर हम धूम्रलोचन तथा चंडमुंड जैसे असुर वीरों से हाथ धो बैठे हैं। असुर जाति के सर्वनाश से पहले तो हमारे हाथों तेरा सर्वनाश होगा। दैत्यराज, अब तो ये निश्चित ही हो गया है कि ब्रह्मदेव का वरदान ही तुम दोनों के सर्वनाश का कारण होगा। अब तुम्हें उस देवी से कोई नहीं बचा सकता। दैत्यराज, 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 अनर्थ हो गया महाबली दैत्यराज। जो नहीं होना था वही हो गया दैत्यराज। जिस विषय के लिए सोचा भी नहीं था दैत्यराज, वही हो गया, वही हो गया। बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ है वो कहो। चंड मुंड दोनों मारे गए दैत्यराज, चामुंडा के हाथों मारे गए। पहले कालिका और अब चामुंडा। कौन है वो कालिका और ये चामुंडा? रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। लगता है सुंदरी कौशिकी की रक्षा के लिए
काली का ही चामुंडा बनकर प्रकट हुई है। वो कुछ भी बनकर प्रकट हो, उसे समाप्त तो करना ही होगा। इसके लिए आपको अपने चमत्कारी साथी रक्त बीज का आह्वान करना होगा। हाँ, रक्त बीज हमारे आह्वान पर तुरंत पाताल लोक से बाहर निकलकर प्रकट होगा और वो कालिका व चामुंडा को समाप्त करने में हमारी सहायता करेगा। कालिका के समाप्त होते ही सुंदरी कौशिकी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो तुमने बुद्धि और ज्ञान की बात कह दी निशुम। चलो हम दोनों मिलकर उसे पुकारते हैं। असुर शिरोमणि, चमत्कारी रक्त बीज, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। रक्त बीज, रक्त बीज। स्वर्गाधिपति असु सम्राट दैत्यराज शुंभ निशुंभ की रक्त बीज, तुम्हारे आगमन से हम प्रसन्न हुए। दैत्यराज, मेरा आवाहन क्यों किया? रक्त बीज, सुंदरी कौशिकी को हमने स्वर्ग की साम्राज्ञी बनाने का प्रण किया है और उस प्रण की पूर्णता में कालिका चामुंडा बाधा बनी हुई है। रक्त बीज, तुम तुरंत जाकर चामुंडा और कालिका को समाप्त करके सुंदरी कौशिकी को यहाँ ले आओ। इसके लिए हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। असुर सम्राट शुंभ निशुंभ, आपकी आज्ञा मानकर आपका प्रण पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। धूम्र लोचन और चंडमुंड के पश्चात शुंभ निशुंभ ने अब रक्त बीज को भेजा है। अर्थात शुंभ निशुंभ अब भी स्वयं देवी कौशिकी के पास आने का साहस नहीं कर रहे, किंतु इस राक्षस की भयंकरता को देखकर लगता है कि ये महाशक्तिशाली राक्षस कौशिकी महल में कुछ ना कुछ उत्पात अवश्य मचाएगा। Thank you.
अदिति, हे सुंदरी, मैं यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें आदर पूर्वक स्वर्गलोक ले जाने के लिए आया हूं। महाबली शुंभ निशुंभ त्रिलोक विजेता है, तुम उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर त्रिलोक साम्राज्ञी बन जाओगी और जगत के सर्वोत्तम सुखों को भोगोगी। आओ मेरे साथ, आओ स्वर्ग लोग, चलो मेरे साथ। शक्तिशाली असुर रक्त बीज मारा गया। भैया शुंभ, अब तो स्वयं मुझे ही युद्ध भूमि में जाना होगा। तुम जाओगे? हाँ, मेरी वरदानी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं कालिका का संहार करके सुंदरी कौशिकी को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। असुर सेना तैयार हो, आगे बढ़ो। महाशक्तिशाली दैत्यराज निशुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय।